मृत व्यक्तियों के कपड़ों के साथ क्या किया जाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। सनातन धर्म में जीवन और सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान बसा हुआ है। सनातन धर्म में छोटी से छोटी बातों से लेकर इस सृष्टि के बड़े से बड़े रहस्यों तक हर विषय में चर्चा की गई है। सनातन धर्म में जो भी किया जाता है, कहा जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सनातन धर्म ने सुनिश्चित किया है कि हम दैनिक जीवन के छोटे से छोटे कार्य इस प्रकार से करें कि हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सामना न करना पड़े। हमारे सनातन धर्म में एक मनुष्य के जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। आज भी इन सभी 16 संस्कारों का भारतीयों के जीवन में विशेष महत्व होता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम सनातन धर्म की जिस रीति के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो आप सबने अपने आसपास देखी होगी। वो है अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के बिस्तर और निजी कपड़ों का प्रबंधन करना। जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है, तो वह अपने पीछे अपने नाते रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी कुछ भौतिक वस्तुएं भी छोड़ जाता है। सनातन धर्म के अनुसार एक व्यक्ति जिन भी चीजों का प्रयोग करता है, उन वस्तुओं के साथ उसकी ऊर्जा, उसकी भौतिकता जुड़ जाती है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह तो चला जाता है, लेकिन उन वस्तुओं में उस व्यक्ति की भौतिकता या ऊर्जा तब भी मौजूद रहती है। यह ऊर्जा कई प्रकार से और कई लोगों को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो उसकी वस्तुओं में मौजूद उसकी ऊर्जा स्वयं मृत व्यक्ति की आत्मा को प्रभावित करती है। दोस्तों, जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है, मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। मृत्यु के बाद भी एक यात्रा होती है और मृत्यु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की आत्मा इस यात्रा की ओर अग्रसर होती है। अगर उसकी वस्तुएं मौजूद होती हैं, तो उसका मोह बना रहता है और जिसकी वजह से वह अपने पिछले जन्म को पूर्ण रूप से त्याग नहीं पाता है और उसकी यात्रा प्रभावित होती है और आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है। इसी वजह से हमारे यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें अपनी जरूरत से ज्यादा वस्तुएं अपने पास नहीं रखनी चाहिए। उसका कारण यही होता है कि हम अपनी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं में ना बिखेरें। आपने आज भी साधु संतों को देखा होगा कि वे अपने पास 2-3 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं रखते। इसके साथ ही वह अपने पास एक थाली और एक ग्लास ही रखते हैं तथा बिछाने के लिए उनके पास एक ही चादर रहती है, ताकि जब उनका इस संसार को छोड़ने का समय आए, तो उनको अपनी निजी वस्तुओं को नष्ट करने में परेशानी ना हो। दोस्तों, प्राचीन काल में जब साधु संत और तपस्वी अपनी देह का त्याग करते थे, तो उनकी यह कुछ निजी वस्तुओं के साथ साथ उनकी झोपड़ी सहित उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, ताकि वे अपनी जरा सी ऊर्जा भी पीछे छोड़कर ना जाएं। तो अब बात करते हैं कि आज के समय में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान समय में हम सभी अपनी जरूरत से ज्यादा कपड़े और बाकी सामान लेने के आदि हो गए हैं। जब मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, तो उसके सभी निजी कपड़ों, जैसे कि उसके अंडरगार्मेंट्स, रोज पहनने वाले कपड़े, उसका तौलिया आदि को जला देना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में मृत व्यक्ति के सभी कपड़ों को जलाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अब सभी व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं, तो केवल उन कपड़ों को जलाएं जो कपड़े वे अक्सर पहनते थे, तथा जिन कपड़ों का उपयोग ज्यादा ना हुआ हो, उनको धोकर व्यक्ति की मृत्यु के 10-11 दिनों के भीतर गरीबों को बांट दें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उस व्यक्ति के सभी कपड़े एक ही जगह दान ना करें। एक ही व्यक्ति को दान ना करके उनको अलग अलग व्यक्तियों को दान करें, ताकि वह ऊर्जा बिखर जाए और एकत्रित होकर कोई महत्व ना रख सके। इसके साथ मृत व्यक्ति जिन जूते चप्पलों का प्रयोग करता था, उनको कचरे में फेंक दें। साथ ही उसके पास जो ऐसे जूते चप्पल थे जो कभी कभी प्रयोग किए जाते थे, उनको भी साफ करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। वह मृत व्यक्ति जिस चादर के ऊपर सोता था तथा जो चादर ओढ़ता था, उनको भी जला देना चाहिए, तथा कंबल को धोकर शुद्ध करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। बाकी जो उसका बिस्तर होता है, उसको अगर आप दान कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना उसको शुद्ध करके थोड़े समय के लिए सूर्य की रोशनी में भी रख दें। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक भी मृत व्यक्तियों के कपड़ों को अपने पास रखने की सलाह नहीं देते हैं। उनका ऐसा कहना है कि मृत व्यक्ति के घर वाले उनके कपड़े देखकर उनकी याद में दुखी हो जाते हैं और वे इस दुख से बाहर नहीं आ पाते, जिसके कारण उन लोगों की जिंदगी
उनकी खुशियां प्रभावित होती हैं, वे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि कहीं आप तो ऐसे कपड़ों का प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर रहे। धन्यवाद।